नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। एंड आई एम प्रशांत एंड हियर आर द मेजर स्टोरीज फॉर द डे। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद माइनॉरिटी पर हमले बरकरार। बीफ से जुड़ी 2 साल पुरानी फेसबुक पोस्ट के लिए आदिवासी शिक्षक गिरफ्तार। आदिवासी संगठनों ने किया विरोध। प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले डॉक्टर पायल को इंसाफ के लिए देश भर में प्रदर्शन। मॉर्ड ने आरोपी डॉक्टरों की सदस्यता निरस्त की। तमिलनाडु में पानी की समस्या बढ़ी। यूरोपीय संसदीय चुनाव, यूरोप में बदले राजनीतिक समीकरण। बोइंग पर संकट बरकरार। रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने मॉडल्स में भी थी खामियां। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार के बेगूसराय से, जहां रविवार को एक व्यक्ति ने मोहम्मद कासिम नाम के एक शख्स का नाम पूछा और जब उन्हें पता चला कि वह मुस्लिम है तो उसे गोली मार दी। बता दें कि हाल में ही लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं सीपीआई के कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह की एक घटना हरियाणा के गुरुग्राम यानी गुड़गांव से है। यहां कुछ युवकों द्वारा एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई, क्योंकि उसने जय श्री राम बोलने से मना कर दिया था। सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित युवक ने बताया कि आरोपियों ने मुझे धमकी दी, कहा कि इलाके में टोपी पहनने की अनुमति नहीं है। उन्होंने मेरी टोपी हटा दी और मुझे थप्पड़ मारा, मुझे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा। उन्होंने बताया, मैंने उनके निर्देश का पालन किया और भारत माता की जय कहा। उन्होंने मुझे जय श्री राम कहने को कहा, जिससे मैंने इनकार कर दिया। इस पर युवकों ने सड़क किनारे एक लाठी उठाई और मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे पैरों और पीठ पर मारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसी एक घटना हुई, जहां स्वयंभू गौरक्षकों ने कथित गौमांस ले जाने के संदेह में एक महिला समेत 2 लोगों की पिटाई की और वीडियो भी वायरल कर दिया। अब जहां प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और इसके साथ ही इस बार उन्होंने जोड़ा है सबके विश्वास की बात, वहीं अलीगढ़ लोकसभा से हाल में ही चुने गए सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को धमकाते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकता है। इस कड़ी में एक और घटना झारखंड से है, जहां फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद में आए आदिवासी लेक्चरर जीत राय हांसदा को जमशेदपुर पुलिस ने 2 साल बाद अब गिरफ्तार किया है। मूल रूप से परसुडीह के सरजामदा के रहने वाले जीत राय हांसदा ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि बीफ खाना आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने गौवध के खिलाफ कानून की भी आलोचना की थी और पूछा था कि क्यों आदिवासियों को हिंदुओं की तरह रहना जरूरी है। इसके बाद ग्रेजुएट कॉलेज साक्षी की छात्राओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साक्षी थाने में मामला दर्ज कराया। जीत राय हांसदा को जेल भेजे जाने पर कई पारंपरिक आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जताई है। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की महासचिव वंदना टेटे ने पत्र जारी कर उनकी जल्द रिहाई की मांग की है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के BYL नायर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर पायल सलमान तड़वी ने अपनी वरिष्ठ डॉक्टर की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मार्ड ने 3 आरोपियों डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति महिरे और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल की सदस्यता निरस्त कर दी है। इन डॉक्टरों पर रेजिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी के शोषण और जाति सूचक फफ्तियां कसने का आरोप है। डॉक्टर पायल की मौत के बाद देश भर में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं, जिसके साथ ही उसी कॉलेज की पायल की दोस्तों ने एक एप्लीकेशन लिखी है, जिसमें वो आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और डॉक्टर पायल को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। इन आवर नेक्स्ट स्टोरी We look at the water crisis in Tamil Nadu that is particularly affecting the capital city of Chennai. A strike that was supposed to be called by operators of private tankers has been deferred, but the cessation of water supply from three major sources is affecting the residents massively. In January itself, the city's water managers had reduced the supply of water from 880 million liters a day to 550 million liters a day. By the end of May, the water supply from 3 main sources, the Red Hills tank, the Sholavaram lake and the Pundi reservoir will cease, which leaves Chennai with only 1 major source of water. The city's water managers are trying to cope by taking water from the Viranam lake as well as quarries, but this may not be enough to meet the city's requirements of nearly 2000 liters of water a day. In order to manage the situation, residents across the city are depending on private water tankers.
There are nearly 4,500 such tankers which operate in Chennai. However, these tankers are forced to travel further distances in order to obtain the water from various groundwater sources. At the same time, the farmers on whose premises these borewells are situated are increasingly unhappy with the sourcing of water, and confrontations have broken out between tanker operators and these farmers. Recently, the government decided that there would be a cap on the amount of water that could be drawn from these sources, leading the private tanker operators to threaten a strike on May 27th. After discussions and concessions made by the government, the strike has been postponed for now, but the larger problem remains. We now move on to our international news, where the main item is about the European Union Parliament elections, the results of which were announced on Monday. Voting was held from between May 23rd and May 26th for 751 seats. The main news, the main most important point of these results, is that the two traditional powerhouses in the European Parliament, the European People's Party, which is a centre-right force, and the Alliance of Liberals and Democrats, which is a centre-left force, both suffered massive defeats of about 35 to 40 seats. The United Left and the Nordic Green section also suffered a loss of about 14 seats. On the other hand, one of the major beneficiaries of this election has been the far right in many countries. From Marine Le Pen's national rally in France, to Viktor Orban in Hungary, to Matteo Salvini's The League in Italy, and Nigel Farage's Brexit Party in the UK, all these forces were able to achieve substantial gains and beat the ruling parties in many of these countries, in their own countries. This alliance is expected to get 58 seats. While many analysts have pointed out that the power of the European Parliament is not much, it remains to be seen what impact these victories will have in the respective domestic situation of these countries. Meanwhile, all said and done, pro-Europe parties got nearly 493 of the 751 seats in the European Parliament. Some of the main issues were migration and the environment. In our second story, we look at the problems faced by international aviation giant Boeing. NewsClick has been following this story very closely over the last 6 months, when crashes by two Boeing 737 MAX airlines led to the death of nearly 350 people. After a second crash in March, it was revealed that a lack of proper advice by both Boeing and the Federal Aviation Authority had led to the crash in Ethiopia. It has turned out, with new reports, that many of the reasons for these two crashes came from an earlier generation of Boeing models, known as the Boeing 737NG or Next Generation. Some of these changes include the fact that the trim wheels, a device in the cockpit, was made much smaller, whereas a stabilizer, a device at the rear to the aircraft, was made much larger. Similarly, a key part in the pilot training module, which used to be there for earlier generations of Boeing, was removed. All these changes are believed to have contributed to the recent crashes. While the Boeing 737NG itself has not faced any major crashes, there have been no major crashes of the Boeing 737NG in recent times. But there are nearly 7,000 of these airlines in operation. And considering the fact that Boeing and the Federal Aviation Authority of the US have not been prompt in issuing safety guidelines on these issues, it remains to be seen what impact this could have. That's all we have in the international section. आज के लिए फिलहाल इतना ही. हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए क्लिक कीजिए newsclick.in पर. हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.